ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज राइस एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में व्हाइट राइस एक्सपोर्ट का बैन किया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट करते आ रहा है। 2024 में काफ़ी सारे कंट्रीज, बहुत सारे देश ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी सारे फ्रेंडली कंट्री को इंडिया अभी भी राइस एक्सपोर्ट करता है। सिंगापुर गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट राइस एक्सपोर्ट करने वाला है। NCEL जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी एक कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये NCEL अलग अलग इंडिया का 5 कंपनी के साथ मिलकर अलग अलग देश को राइस एक्सपोर्ट करने जा रहा है। सिंगापुर से अभी 1600 मेट्रिक टन का राइस का ऑर्डर है, उसके बाद 2000 मेट्रिक टन का राइस का ऑर्डर है। अभी NCEL एंड अदर 5 कंपनी, NCEL जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेस है, तो NCEL एंड अदर कंपनीज 5 कंपनीज मिलकर अलग अलग देश को एक्सपोर्ट करने वाला है, व्हाइट राइस एक्सपोर्ट करने वाला है कोटा सिस्टम के ऊपर। तो सिंगापुर को फिलहाल 1600 टन का 1600 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट अभी करने वाला है, और 2000 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है सिंगापुर से, और अलग अलग देश से 10000 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर है। तो अभी अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो NCEL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप व्हाइट राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो राइस एक्सपोर्ट का जो बैन था ये अभी तक पूरा खुला नहीं है, लेकिन ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट होगा एंड ओनली कोटा के ऊपर एक्सपोर्ट होगा। तो अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपेडा का वेबसाइट में जाकर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, ऑल्सो NCEL कंपनी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके पास राइस है और राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सिंगापुर एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।